अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। रूम कूलर्स इस सीज़न में हमने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताए, कुछ ब्रांड्स के हमने एमजी का कराया था, क्रोमा के कुछ पीस आपको कराए थे। अब आगे पर्दर हमारे पास कुछ मॉडल्स और भी आए, बॉस का बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। बॉस के 5 मॉडल आ चुके हैं, इस वक्त डिस्प्ले पर 3 लगे, कल आपको जो 2 मॉडल होंगे इनका भी रिव्यू कराएंगे, क्विक रिव्यू कराएंगे। ऑलरेडी हम आपको बॉस के 2 मॉडल करा चुके थे, E7000 और एक जो था अपना E6000, ये ऑलरेडी हम आपको करा चुके थे। आज फिर से चूंकि स्टॉक नया है, कीमतें नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपको इसकी प्राइसेस, इसके मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपको बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी, E7000XL जो इनका मॉडल नंबर है, ठीक है जी। इसमें 2 आर है, एक आर है XL आर है और एक आर है जो E7000 ट्रिम वाला जो है। ये अगर इसको आप इसकी शेप देख लें तो ये इन्होंने काफ़ी इसको बड़ा बना दिया है, इसको वाइड कर दिया है। वाइड होने से कूलर के अंदर आप ये जहन में रखें कि जब वाटर सर्कुलेशन होती है, जितनी वाटर सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो आपका कूलर जो है वो उतनी ज़्यादा ठंडी हवा आपको देगा। तो ये इसमें 2 मॉडल आ रहे हैं, एक इसमें ये वाला है जो XL है, E7000XL, और एक आ रहा है इसके अंदर जनाबे वाला आपका जो E7000 सिंपल है, वो थोड़ा सा ट्रिम है इसकी। जो अगर आप बॉडी उसकी देख ले तो वो इतनी छोड़ी नहीं है जितना ये छोड़ा है। तो इसके अंदर प्राइस का भी इन्होंने तकरीबन 1500 का डिफरेंस डालते हुए इसको आपको जो है यहाँ पे अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डिस्प्ले। इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं, इसका जो इन्होंने पैड लगाया है, जो पैड यूज किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीनिश आपको नजर आ रहा है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे कि ये केमिकल बेस्ड है, इससे जो भी हवा निकलती है, जो हवा आपको आपकी तरफ आ रही है तो वो साफ सुथरी हवा होती है, जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं इन्होंने इसको केमिकल के थ्रू इस तरह बना दिया है कि आपको जो हवा मिल रही होती है ये साफ और सुथरी होती है। पैड्स की ऑलरेडी आपसे बात कर ली, ये रिमूवेबल भी है, चेंजेबल भी है, साफ भी आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक की अगर हम आपसे बात करें तो बहुत अच्छा प्लास्टिक, वाइट कलर में इन्होंने इसको बना दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने शेप दी है, ठीक है जी। यहाँ से इन्होंने कूलिंग प्लस स्विंग का ऑप्शन रखा है, कूलिंग का ऑप्शन रखा है और स्विंग अलग से आप जो है करा सकते हैं। इधर से हाई, मिड और लो के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। यहाँ से इन्होंने इसका वाटर टैंक रखा है, यहाँ तक आप इसको भर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। पंप की अगर आप बात करें, जो वाटर पिश पंप इन्होंने यूज किया है, टोटल 15 वाट का ये पंप यूज करते हैं, 99.9 कॉपर का ये मोटर भी क्लेम कर रहे हैं और इसका फिश पंप भी ये क्लेम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो इसकी जाली है, ये जो है आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से हाथ के साथ, और अंदर वाली जो जालियाँ हैं वो खुद ब खुद लेफ्ट राइट आपका जो है ये मूव करेगी। तो E7000XL आपको ऑलरेडी हमने 17500 का बताया था जो दूसरे वाला था, अब इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 19000 रुपए का, ये 1500 का डिफरेंस डालते हुए ये 19000 रुपए का XL जो बॉस का है, ये आपको E7000XL दस्तयाब है। अगर इसके अंदर आपको E7000 ट्रिम वाला चाहिए तो वो 17500 में यहाँ पे अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दस्तयाब है। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं ECM 6500 की, तो ये अगर आप E6000 आपने देखा था तो वो थोड़ा सा साइज में इससे छोटा था, ये थोड़ा सा इन्होंने इसका हाइट बढ़ाते हुए इसको बना दिया है। सेम वही स्पेक्स है, वही मोटर पंप, वही सारी चीज़ें रखी है, शक्ल थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, केमिकल बेस्ड जो है इन्होंने इम्पोर्टेड ये पेड यूज़ किया है जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ प्लास्टिक भी वही है, शेप भी तकरीबन ये जो कलर डिज़ाइन है ये भी तकरीबन इन्होंने सेम रखा है, थोड़ा सा शेप को डिफरेंस डालते हुए ये चौरस में भी इन्होंने बना दिया है, ये एक थोड़ा सा T3 शेप में इनको इन्होंने कर दिया है। तो अगर 6500 की हम प्राइस की बात करें तो ये जो है यहाँ पे अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 17000 रुपए का ये दस्तयाब है। 17000 में आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ
ऑफिस के लिए या एक छोटे कमरे के लिए आपको यहाँ पे इनका जो है 5200 भी दस्तयाब है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी सारी चीजें उसके ऊपर जो बॉस कूलर के अंदर जो है जो भी फंक्शंस है ये इन सारे कूलर्स के अंदर है। डस्ट फिल्टर इन्होंने इसके अंदर लगाया है, इसके साथ साथ स्मेल फिल्टर भी है। एक और जो एलर्जी फिल्टर के साथ साथ इनका जो मोटर और पंप है ये 99.9 प्योर कॉपर के होते हैं। कंपनी जो है एक साल की वारंटी भी देती है। ये जहन में रख के सिर्फ फैन मोटर के ऊपर वारंटी है, फिश पंप की कोई वारंटी नहीं है। तरीका का ये है कि आपने बगैर पानी का इसको यूज़ नहीं करना, तब इसको कुछ नहीं होता। इन केस अगर ये सड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो 600 to 800 का यहाँ पे मार्केट में आपको दस्तयाब है, आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। 1 year की कंपनी वारंटी भी दे रही है। आप बॉस कंपनी का जो सर्विसेज है वो अपने घर में अवेल कर सकते हैं उनके नंबर पर रब्ता करके। बाकी अगर प्राइस की बात कर ले तो सारी की हमने आपको प्राइस बताई है, इसका भी आपको बता देते हैं। 11,500 रुपये का ये यहाँ पे दस्तयाब है छोटे वाला। अमूमन 11,500 रुपये में आपको आम किसी कंपनी का बड़े साइज का भी मिल जाएगा, लेकिन इशू ये है कि जो जो चीज़ें इन्होंने इस कूलर के अंदर रखी है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, अगर आपको मतलब ये आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज़ खरीद ले तो 11,500 में ये 5200 जो इनका मॉडल है ये भी आपको दस्तयाब है। वारंटी गारंटी की बात कर चुके हैं, कल इंशाल्लाह इनके दो मॉडल और है जो E7000 सिंपल है वो भी आपको दिखाएंगे, और एक मॉडल जो E6000 है ऑलरेडी आपको बताया भी था वो भी आपको कराएंगे। टावर शेप भी जैसे ही आता है तो उसके ऊपर भी आपको रिव्यू कराएंगे। ये था आज का रिव्यू, ऑलरेडी हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ऑर्डर के लिए फौरन आप हमें कॉल करके अपने घर इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू।